स्टूडियो में हमारे बीच डॉक्टर श्याम रघुनंदन जी हैं जो कोल्ड लेजर थेरेपी के जन्मदाता हैं। बहुत से पेशेंटों को सर ने ठीक किया है। कुछ ज्वलनशील मुद्दों पे हम डॉक्टर जी से बात करेंगे। अभी फिलहाल में जो ये मामला आया है, नूपुर शर्मा का जो मामला आया है, उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार सबको। शर्मा जी, मैं डॉक्टर होते हुए भी मैं एक नागरिक हूँ। देश में जो कुछ भी होता है, एक अपना मदर और मदरलैंड के प्रति हमारा रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। जो आदि में जो नूपुर शर्मा के बारे में जो तपा जारी किया है, जो कुछ चल रहा है, गलत है। क्योंकि देखो, जानवरों में जानवर कभी एक दूसरे लड़ते नहीं है, एक दूसरे को पटवा नहीं देते, एक दूसरे को मारते नहीं है। हम इंसान होकर हम एक दूसरे के ऊपर क्यों ऐसा करते हैं, ये पहली बात है। देखो, जो चीज है गलत है गलत है। हम इधर किसी रिलीजियन या कैस्ट के बारे में बात नहीं करेंगे। एक मनुष्य जाति में रहते हुए एक मानवीय कानून को हम देखना चाहिए। एक महिला जो कुछ भी लिखा गया था, लिखने वाले भी वही लोग है, उसको पढ़ के सुनाने वाले को पटवा जारी करने गलत है। फिर जो लिखा ही गई है उनके खिलाफ क्या होना चाहिए? कहीं ना कहीं विचारधारा में अंतर हो रही है। तो हर इंसान को एक जानकारी होना चाहिए। हर इंसान को इस देश में रहने का हक है। देखो, मेरे साथ मुस्लिम डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, बिजनेसमैन भी है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी है। क्यों? वो डिफरेंस बहुत जरूरी आता है। जब पढ़ा लिखा आदमी, संस्कार किसी में आ सकता है। हम सब देखो, सनातन धर्म से हम लोग आए हैं। भारत देश एक हिंदू राष्ट्र है। हम हिंदू लोगों के लिए कोई दूसरा राष्ट्र नहीं है। जब यदि हमारे देश में हम जज में होते हुए, हमारा सरकार होते हुए, हम क्यों बाहर जाना चाहते हैं? हमें क्यों ऐसे दूषित किया जा रहा है? कहीं ना कहीं करप्शन होना बहुत जरूरी है। कोई भी इंसान, इस इंसान में लॉ ऑफ द लैंड बहुत सुप्रीम है। उस देश का, उस लॉ का अंदर जो इंसान को आगे बढ़ना चाहिए, काम करना चाहिए, डर होना चाहिए। सो जो लिखाया गया है नूपुर शर्मा ने बता दिया। एक महिला फॉर्म सरकार बोलते हैं हम लोग, महिलाओं का सबलीकरण करना चाहिए, वेमेन एम्पावरमेंट करना चाहिए, लेकिन आजकल कोई उस महिला का साथ ना ही खड़ा है। मैं घंटा को बोलता हूँ, मैं नूपुर शर्मा के साथ हूँ। नूपुर शर्मा के जैसे यदि मुस्लिम महिला भी यदि सही ढंग में आती है, उसके साथ भी मैं हूँ। इधर मुझे जात भेद नहीं है। इधर सिर्फ जो काम काज जो किया है गलत है सही है, इतना जो हम लोग देखना जरूरी है। क्योंकि हर इंसान डरता है। मुझे सबसे महसूस ये करता हूँ, भाई हिंदू होकर हिंदू बोलने में क्यों हर जी हम लोगों को? आपका घर में हिंदू का पूजा हो रही है, हिंदू का आप फेस्टिवल बना रहे हो, खाना कपड़े सब पहन रहे हो, और जब घर में कुछ भी है आप हिंदू होकर हर चीज मना रहे हो, हर चीज आप कर रहे हो, लेकिन हिंदू करके बोलने में आप क्यों हिचकिचाते? आपका देश है, इस धरती आपको जन्म दिया है, इस धरती आपको नौकरी दिया है, इस धरती बिजनेस करने का मौका दिया, इस धरती में आप बिल्डिंग बनाया, इस धरती में बैंक अकाउंट आपने खोला है, इस देश का हिंदू सनातन धर्म का देश है, हर चीज आप ले रहे हो, लेकिन क्यों कदम नहीं करते हो? यदि आपके पास पैसा बनता है, पैसा आता है, हम भाई बहन जो है, सब लोग जो रहते हैं हिंदुस्तान में, हम दे रहे हैं आपको, कॉन्स्टिट्यूशन सबको दिया है, वसुधैव कुटुंबकम बोल रहे हैं, सिर्फ मुंह में बोल रहा है लेकिन रहने लायक नहीं है। तो मैं उन लोगों को बात करता हूँ, इसमें बहुत अत्याचार है, मुस्लिम ईसाई जैन सब लोग हम लोग है, लेकिन ये फ्री रेशन के पीछे जो बातें हैं ना, उनको एजुकेशन की जरूरत है, उनको संस्कार का जरूरत है, उनको मॉनिटरिंग की जरूरत है, उनको काउंसलिंग की जरूरत है। जब अच्छे विचार आप देंगे, आदमी अपने बड़ा हो जाएगा। बच्चे घर में जो माँ बाप बात करते हैं, पड़ोसी में बात करते हैं, घर में जो आपका जो माहौल है, वो बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट होता है। यदि गलत बच्चा निकलता, देखो मुस्लिम ईसाई जैन जब बच्चा पैदा होता है जो हॉस्पिटल में, सब बोलते हैं मेरा राजा बनेगा या रानी बनेगा। कोई भी माई बाप जाए, माँ बाप जाएगा, वो रानी बनेगा, राजा बनेगा। लेकिन बच्चा बड़े 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 होते क्या होते? कोई गलत रास्ता में चला जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई एक क्लर्क मामूली बन जाता है, कोई नेता बन जाता है। लेकिन इस संसार में हर चीज आपको मिल रहा है। आपने फ्री फ्री की बात कही है, तो आपका सीधा निशाना जो है वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर लग रहा है। लेकिन केजरीवाल जी ने पीछे एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि जैसे हमारे जितने भी नेता पार्लियामेंट में हैं, वो सब फ्री फ्री लेते हैं, उनको एयर में फ्री है, फोन फैसिलिटी फ्री है, रेजिडेंस दिल्ली में फ्री है, खाना मात्र कुछ पैसे देके फ्री है। तो अगर मैं अपनी जनता को, दिल्ली वासियों को, अगर मैं कुछ फ्री दे रहा हूँ तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर वो फ्री लेना बंद कर दें तो मैं भी दिल्ली वासियों को फ्री देना बंद कर दूंगा। वही बात है, फ्री केजरीवाल या कोई सरकार नहीं देता है। फ्री आपका इनकम टैक्स पैसा जा रहा है, भाई साहब का इनकम टैक्स पैसा जा रहा है,
इस देश का सबसे बड़ा धनी कौन है? इनकम टैक्स पे वो गरीब होगा, अमीर होगा, एक किसान होगा, एक सोल्जर होगा, कोई भी होगा, उनका हर एक एक पैसा जो जुड़ के जाता है, कभी जीएसटी का जाता है, कभी सेल्स टैक्स में जाता है, ये फ्री पैसा कोई सरकार नहीं दे रहा है, लेकिन बेवकूफ बनाया जा रहा है। लेकिन मेरे भाई लोग समझना चाहिए, जो आदमी फ्री देकर आपको लेजी बना रहा है, काम काज नहीं करेंगे, आप घर में बैठ के फ्री राइस मिलेगा, आपको बिजली मिलेगा, तेल मिलेगा, फिर नौकरी कौन करेगा? देखो यही बात आप देखो, अमीर लोगों का बच्चे लोगों को कार में लेके स्कूल में छोड़ा जाता है, बीएमडब्ल्यू का, कोई एयर कंडीशन में जाता है, गरीब बच्चा पैदल में बिना चप्पल जाता है। आप समझ लो, जो बच्चा उसी स्कूल में जाता है, अमीर बच्चे जाने के बाद बहुत ही कम अमीर बच्चों का बच्चे आगे पढ़कर बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि आप सुविधा दे दिया, उसको लग्जरी दिखा दिया है। जिसको फ्री में लग्जरी मिल रहा है, आईफोन मिल रहा है, आईपैड मिल रहा है, ड्राइवर जा रहा है, नौकर चाकर मिल रहा है, वो क्यों पढ़ेगा? पढ़ेगा वो गरीब, जिसको गरीबी है, खाने को नहीं है, वो पढ़ेगा, उसको सरस्वती का चाहिए आशीर्वाद? ऐसा ही जो सरकार अपना वोट बैंक के लिए, वोट नीति के लिए ये फ्री फ्री बोलकर लोगों को ये डिबेट कर दूर कर रहा है अपना। देखो इस देश में, मैं ये बोलता हूँ, इस देश में हिंदू सनातन सब लोग है। इस देश का टुकड़ा किया गया था, पाकिस्तान बनाया गया, बांग्लादेश बना दिया गया, दूसरा भी बनाने के लिए खालिस्तान या कोई भी आदमी खड़ा हो जाएगा। आप बताओ भारत माता को कितने टुकड़े करेंगे आप लोग? हर नेता अपना पावर ग्रीड है। देखो दो किस्म के लोग हैं, एक ग्रीडी एक नीडी। ज्यादातर जो जितने भी आप देख रहे हैं ना, ग्रीडी है। ये पहली बार मैं अपना जिंदगी में देख रहा हूं, एक प्राइम मिनिस्टर, एक योगी, एक मोदी जी ऐसा इंसान गरीब लोगों के लिए काम कर रहे। क्यों कर रहे? उनका कोई परिवार नहीं है, उनका परिवार आप मैं और साहब है, वो हिंदुस्तान उनका परिवार। तभी कर सकते, यदि उनको भी एक बेटा, एक बीवी, एक गर्लफ्रेंड होता ना, वो काम नहीं कर सकते थे कभी? देखो इतना हमारा 75 साल और अमृत महोत्सव आ रहा है, जितने भी सरकार आज तक आया, अय्याशी में गया, अय्याशी में गया, क्लब बनाया गया, लोगों का जोड़ दिया गया, अपना ही गैंग, अपना ही टीवी, अपना ही मीडिया, जो चाहिए वो चाहते गए। आज सोशल मीडिया है, इसलिए आप जैसे लोग आ रहे हो, लोगों तक मेरे बात जा रही है, अदरवाइज नहीं जाता, हमारा गला घोटा जाता, हमें दफन किया जाता। आज जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा, फ्रीडम ऑफ रिलीजन होगा, हर चीज आज हर इंसान को मिल रहा है, लेकिन उजाई करके लोग गलती देखता है। देखो दो किस्म के आदमी है, फॉल्ट पेंडिंग एटीट्यूड और फैक्ट पेंडिंग एटीट्यूड। जो जितना भी अच्छे काम करो, इसमें नमक कम था, इसमें चीनी ज्यादा हो गया था, इसमें घी कम था, जो आदमी को भूखा पैसा है ना, कुछ भी दे दो उसको बहुत अच्छा लगेगा। सो विचार जिसको देखो, जो आदमी अपना पेट को अच्छा खाना खाएगा, वो अच्छा खिलाएगा, जिसको विचार दारे पता है, वो आर इंसान, पॉलिटिशियन हो, मिनिस्टर हो, डॉक्टर हो, प्रोफेशनल हो, अच्छा कर्म करेगा, उस इंसानियत पर नजर आता है, गरीबी नजर आता है। मैं गरीबी वो बात कर रहा हूँ जो आपको दूरदृष्टि में, जो गरीबी है, जो लोगों का मन में गरीबी है, वो गरीबी है, पैसों का गरीबी नहीं है। जिस बच्चे को आपने फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ दे दिया प्राइमरी ली, वो बच्चा अपने बड़ा हो जाएगा, उस घर में फ्री रेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारा लोग फ्री रेशन ही मांगते, फ्री बिजली मांगते, फ्री पानी मांगते, लेकिन इसका श्रेय जाएगा इनकम टैक्स पेयर ऑफ हर गरीब, हर अमीर, हर सैनिक होगा, हर जो किसान होगा, हर एक लेबर होगा, उस सबको श्रेय जाता है। मैं उनको हैट्स ऑफ कर सकता हूँ। देश हमारा 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, मोदी जी चाह रहे हैं जैसे 100 साल हमारे पूरे हो जाएंगे, तो आप वो भारत कैसा देखना चाहते हैं? देखो भारत विश्वगुरु बनना चाहिए, जो स्वामी विवेकानंद जी जो बोला गया है, उस रास्ते में अभी देश का हर नौजवान सोच रहा है, लेकिन उनको थोड़ा मार्गदर्शन देना चाहिए। एक मोदी जी क्या कर सकते हैं? मुझे तो 1000 मोदी जी चाहिए, 1000 योगी जी चाहिए, 1000 अच्छे विचारवादी चाहिए, 1000 हमारे विवेकानंद जी चाहिए। हर इंसान को आगे आना चाहिए, मेन स्ट्रीम में आना चाहिए, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। देखो हमारा घर में एक बच्चे को पालने के लिए कितना मुश्किल है, आप जानते हो कि नहीं? सो इस देश में 140 करोड़ आबादी आदमी को एक इंसान कैसा कर सकता है? वो आदमी आपको कैसा अप्रिशिएट करेगा? जो आदमी काला धंधा करता है, ब्लैक मार्केटिंग टिकट मारता है, या पैसा और नंबर दो धंधे में कर रहा है, वो मोदी जी को अप्रिशिएट नहीं करेगा, योगी जी को अप्रिशिएट नहीं करेगा, क्योंकि इकोनॉमी सख्त हो गया यूपी में। क्यों लोग डरते हैं? इसका मतलब ये नया चीज नहीं है, पहले लोग कॉम्प्रोमाइज करते थे, इसलिए नजारा अलग लग रहा है। अदरवाइज ये चीज 75 इयर्स का जो हमारा फ्रीडम था, पहला दिन से आज तक तो होना चाहिए था, लेकिन किसी में वो गट्स नहीं था। देखो हर इंसान को एक गट्स चाहिए,
जब कोई भी काम करता है उसको कॉन्शियस फ्री होना चाहिए, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, अच्छे कर्म कर रहा हूँ मेरे भाई लोगों के लिए, संसार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए। जब ये आएगा तभी इंसान आगे बढ़ सकता है। अभी मोदी जी शिमला में गए हुए थे और वहां पर उन्होंने किसानों के खाते में पूरा पैसा डाला है, तो ये बहुत अच्छी बात है। 8 साल की उन्होंने कार्य किए हैं, लेकिन और भी बहुत से काम करने हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि मोदी जी और क्या ऐसा काम करें जिससे हमारा देश और तरक्की के रास्ते। शर्मा जी, जो 60 सालों में जो इन्होंने खराब सिस्टम कर चुका है, इस सिस्टम में मोदी जी का 8 साल से सरकार चल रहा है, बीजेपी सरकार चल रहा है, लेकिन दीमक और चूहे जो 60 साल में इन्होंने जो कांग्रेस वालों ने छोड़ के गए ना, वो हर गवर्नमेंट सिस्टम में बैठे हैं, उसको जब तक आप साफ नहीं करेगा सिस्टम क्लीन नहीं होगा। आप 60 साल का 8 साल में साफ कैसे साबुन से आप धो सकते हो, कौन सा फेविकॉल से आप निकाल सकते हो, समय चाहिए। लेकिन 8 साल में जो 60 साल में काम नहीं किया ना, ऐसे काम बहुत किए, जैसे गडकरी साहब रोड बनाया है जो हिंदुस्तान में कोई भी रोड आपको आनंद ही आनंद आता है, और रेलवे ट्रैक में जब भी जाता था कोई भी स्टेशन में जाओ इतना साफ सुथरा आएगा, मैकेनिकल स्वीपर से देखो जिस लोगों को देखने को जो नजारा मिलता है, जो बदलाव देखना चाहता है उसको दिखाई देता है। जो चश्मा पहन के मुझे नहीं, मुझे काने को मौका चाहिए, पहले का सरकार क्या था, काओ और काने दो सरकार, आओ आने दो सरकार था, आजकल वो नहीं चल रहा है। मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ, मेरे बच्चे के लिए भविष्य नहीं है, मेरे आने वाले पीढ़ी के भविष्य के लिए बात कर रहा हूँ। मेरे बच्चे तो पढ़े लिखे बड़े हो गए, लेकिन एक नागरिक होते हुए मेरा गरीब, जो गरीब किसान होगा या सैनिक होगा या कार्मिक होगा, लेबर होगा, उन बच्चों का भविष्य के लिए मोदी जैसा आजार मोदी आना चाहिए, योगी जैसा आजार योगी आना चाहिए। वो पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है इंसान, क्योंकि वो दे आर फ्री फ्रॉम ऑल द फैमिली बर्डन, उनका बच्चा नहीं है। आप देखो प्राइम मिनिस्टर और जो अपने यूपी योगी जी जो ICM, इनका परिवार जिस दिन से 8 साल से पहले उन्होंने शपथ ग्रहण किया, आज भी उनका परिवार छोटे दुकान में काम कर रहे हैं, जहां जहां काम कर रहे हैं, एक रुपये भी उनका आमदनी नहीं बढ़ाया। देश में कहीं कहीं ऐसे MLA MPF है, उनका बच्चे पैदा नहीं हुआ, 100 करोड़ रुपए उनका अकाउंट में कैसे आ गया बताओ, भाई बोल रहा ठीक है आपका बच्चे में 100 करोड़ आपका अकाउंट में, मुझे सक्सेस फार्मूला दो, मेरे भाई बहन जो गरीब है ना उनको मैं आगे लाना चाहता हूँ, आप दो फार्मूला, दो सक्सेस फार्मूला बताइए। अरे आप जैसे भाई को आगे लेके जाना चाहते, हर इंसान को कम से कम खाने पीने का कोई कमी नहीं होना चाहिए, वो परचेसिंग में हम देना चाहते नहीं, ये सेल्फिश है, ये अपना मिसयूज अब्यूज ऑफ पावर है। जो आदमी मैं जानता हूँ 75 साल में कितने लोग हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां भी हम गरीब से गरीब आकर आज हम लोग अमीरपन दिखा रहे हैं, लेकिन मैं ये बोलता हूँ आप लोग तो पैसा बना लिया, जिस दिन मैं और आप शमशान घाट में जाएंगे, मैं भी कालियात आप भी कालियात, कर्म अच्छा होना चाहिए, जहां कर्म अच्छा रहेगा धर्म साथ देगा, लेकिन गॉड विल सपोर्ट योर गुड डीड्स नॉट योर सेल डीड्स, क्रोध्स ऑफ सेल डीड्स करके बोलना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू शर्मा जी, थैंक यू फॉर गिविंग अप, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।